हेलो एवरीवन, मैं मुक्ति एंड आज मैं आप सबके साथ सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ वो होम रेमेडी जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी टैनिंग को रिमूव करने के लिए। सो हमारे पास यहाँ पे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियाँ पड़ी हैं, तो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए है अपनी टैनिंग को रिमूव करने के लिए घर पर। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ली है चंदन पाउडर। अगर हम बात करते हैं चंदन की, देन बहुत ही ज़्यादा स्किन बेनिफिट्स हैं। एक तो इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, दूसरा आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं तो उसको कम करने में आपकी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ इसमें कूलिंग इफेक्ट होता है। तो अगर गर्मियों में आप आटा या बेसन को यूज़ करने के बजाय आप चंदन को यूज़ करें, अगर आप कोई भी पैक प्रिपेयर कर रहे हैं, गर्मियों में आपको एक कूलिंग इफेक्ट देगा। और दूसरी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ खीरे का रस। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ खीरे का रस ऑलरेडी निकाल के रखा है। मैंने आई गेस ये मैंने चंदन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा ली है, ये है 2 बड़े चम्मच, बिकॉज मैं और मेरे मम्मा ये दोनों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। और ये है हमारे पास खीरे का रस। तो खीरे एक आधा खीरे से इतना मैंने निकाला है, बहुत पतला सा खीरा था, तो ये होंगे कम से कम ये 1 छोटा चम्मच ही होगा। और तीसरी सामग्री जो हमारे पास है वो है शहद। और अगर हम बात करते हैं शहद के, बहुत ही ज़्यादा स्किन बेनिफिट्स हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज में भी है, आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर उनकी ऑयली स्किन है तो वो हनी अप्लाई नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तब भी आप अपनी स्किन पे हनी को अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ ग्रेट, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो लास्ट चीज़, 1, 2, 3, 4th चीज़ जो है हमारे पास वो है दही। दही बहुत ही बढ़िया है, कूलिंग इफेक्ट है इसमें, तो गर्मियों में दही को अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई करें। और साथ ही साथ इसमें विटामिन सी है, तो कहीं ना कहीं आपके फेस पे टैनिंग को रिमूव करने में हेल्प करेगा। वैसे तो जो मेन चीज़ है आपके फेस पे टैनिंग को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा वो है चंदन और कुकुम्बर। खीरे का हमने रस निकाल लिया है, और तीसरी चीज़ है दही। शहद हम इसलिए डाल रहे हैं सो दैट हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सॉफ्ट हो, बिकॉज़ हम पॉल्यूशन में इतना घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट रखने के लिए शहद का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, शुरू करते हैं हम अपनी होम रेमेडी। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ चंदन के अंदर, मैं सारा कुछ डालने वाली हूँ चंदन के अंदर। मैंने ये 1 चम्मच के करीब, आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा चम्मच है। तो गाइस प्लीज़, पहले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मुक्ति गौतम के नाम से, और इंस्टाग्राम पे मैं डालती रहती हूँ कि रेगुलर बेसिस पे मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, किन फूड्स को खाने के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। और गाइस आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं www.muktigautam.fitness.com पे। और अभी देख सकते हैं कि मेरी स्किन बहुत डल लग रही है, और टैनिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रखी है मेरी, बट जब मुझे टैनिंग होती है तो दिस इज़ व्हाट आई डू। और अभी हम डालने लगे हैं इसमें शहद, ये हमने डाल दिया, ये 1 चम्मच शहद है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और अमेजिंग, या और अब हम लास्ट में डालने वाले हैं दही। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि ये आपके फेस पे गिरे ना। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे पतला रखेंगे तो ये आपके फेस से, ये मतलब ये जो मिक्सचर है वो गिरेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो पूरे एक पैक की तरह लगे। और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसको दिन में लगाने की बजाय रात को सोने से पहले लगाएं, बिकॉज़ अगर आप स्किन का ध्यान रखते हैं, पूरा दिन आप पॉल्यूशन में घूम रहे हैं, बाहर ऑफिस भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो वापस घर आने के बाद ही, जब आप लास्ट में सो रहे हैं, सोने से पहले इन सब चीज़ों को अपने फेस पर अप्लाई करें, तो आप पूरी रात रेस्ट करते हैं, तो आपकी जो स्किन है वो प्रॉपरली ब्रीद कर पाती है। तो ये फेस पैक करने के बाद आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। तो अब हम इसमें दही उतना डालेंगे जितना कि इसकी कंसिस्टेंसी उतनी हो कि ये फेस पे अच्छे से चिपक जाए। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, और ना ही इसको बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा रखना है, बस ये कि फेस पे आपके लग जाए। ज़्यादा साइज नहीं मैं झाड़ूंगी, बढ़िया रहे। अभी भी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा और दही डालूंगी।
तो गाइस सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप ये पैक अपने फेस पे लगा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना फेस अच्छे से धो लें, क्लीन कर लें, उसके बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई करें, बिकॉज ये एज अ स्क्रब भी आपके फेस पे काम करेगा और साथ ही साथ आपके फेस पे एज अ पैक भी काम करेगा और डी टैन तो आपको करेगा ही करेगा। तो अब हम मैं लगाने वाली हूँ इसको अपने फेस पे और फिर आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे इसके रिजल्ट्स। आप चाहे तो ब्रश यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे लिए सबसे अच्छा ब्रश मेरा हाथ है। तो आप इसको अपने पूरे फेस पे लगा लें, इसको कम से कम आपको अप्लाई करके रखना है 20 से 30 मिनट तक, जब तक ये आपका ड्राई नहीं हो जाता पूरा। चीक्स पे लगाते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपका ऊपर की डायरेक्शन में आपको लगाना है। आप अगर अपनी आईज़ को भी थोड़ा कवर अप करना चाहते हैं तो आप ये तो मत लगाएं, बट हाँ जब आप 20 मिनट या 30 मिनट इसको लगा के रखेंगे तो उस टाइम पे आप खीरे को काट कर पतली पतली इसके वो काट के आँखों पर रख लें, या फिर आप कॉटन पे रोज़ वाटर को भी लगा के रख सकते हैं। प्रॉपरली अपने फेस पे लगा लिया है एंड दिस इज हाउ आई एम लुकिंग लाइक। तक ये सूख रहा है 20 मिनट से 30 मिनट तक मुझे इसको रखना पड़ेगा सुखाने के लिए, तब तक हम करते हैं अपनी आंखों का इलाज। Few moments later. आप इसे खा भी सकते हैं? नो आप थोड़ी देर बैठ के योगा भी कर सकते हैं गाइस। मुंह ज्यादा ना हिलाएं, बातें ज्यादा ना करें, उससे आपके रिंकल्स पड़ सकते हैं गाइस। तो अगर आपको बात करनी भी है तो बिना मुंह हिलाए बात करें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। सिर्फ मेरे होंठ हिल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हिल रहा। पच्चीस मिनट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा इंतज़ार मुझे नहीं हो पा रहा है और वैसे भी सूख गया है। और अब मैं करने वाली हूँ इसे वॉश। तो आपको इसको रखना है 20 से 30 मिनट के बीच में, तो मैंने रखा इसे 25 मिनट्स और अब मैं करने लगी हूँ इसे क्लीन। एंड गाइस एक्चुअल में जब आपको टैनिंग हो रखी होती है बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अभी मुझे इतनी ज़्यादा टैनिंग नहीं हो रखी थी, बट आप देख सकते हैं कि स्किन बहुत ही बढ़िया लग रही है और खुद को बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि यू नो इट्स बेस्ट वे टू पैम्पर योरसेल्फ। और बिकॉज मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन और मोर ऑन द ड्राई साइड, मैं अप्लाई करने वाली हूँ बादाम रोगन, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो हेयर आई एम और रात को सोने से पहले दिस इज ग्रेट वे टू नरिश योर स्किन। कोई भी आपको मॉइस्चराइज़र सूट करता है तो आप लगा सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है देन आप लगा सकते हैं एलोवेरा जेल। दैट्स इट गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। एंड गाइज अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं देन प्लीज़ नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे फटाफट क्लिक कर दीजिए। अगर आप इसी टाइप की वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो गाइज मैं स्किन और ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स, जो हेयर टिप्स या ब्यूटी टिप्स या जो भी टिप्स आप बोल लीजिए, ये सारी टिप्स मैं डालती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ एवरी फ्राइडे। बट हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड जो टिप्स हैं वो मैं हर मंडे को अपलोड करती हूँ, तो देखना मत भूले मुझे हर मंडे एंड हर फ्राइडे। और वेडनेसडे को आती हूँ मैं लाइव, तो आप मेरे साथ लाइव चैट कर सकते हैं हर वेडनेसडे। एंड दैट्स इट गाइस, कीप लाइकिंग मी एंड माय वीडियोस। एंड प्लीज गाइस ये
फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद ज़रूर बताएं कि आपको कैसा फील हुआ और आपकी कितनी टैनिंग रिमूव हुई. एंड दैट्स इट गाइस, बाय.